सुबह की फिजा फिजा। सवाल पूछना चाहूंगी कि बताइए, नहीं अगर मैं आपसे पूछ लूंगी तो फिर गेस्ट कैसे बताऊंगी कौन है? हेलो, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए जी, पहले गेस्ट बुलाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगी और आपने कॉल करनी है और हमारे सवाल का जवाब देना है, क्योंकि आज वैसे भी मेरे पास बहुत सारे नाम हैं और उसके अलावा ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल में आप कॉल करें, इसमें आपको जो गिफ्ट पसंद आता है आप ले सकते हैं। ये जितने भी शो पीसेस हैं ये सारे, और जितने भी ये टेडी बेयर्स हैं ये, और ये हार्ट और ये दिल, ये सब कुछ आज आप ले सकते हैं एक कॉल पे, और मैं बहुत सारे तोहफे जो है आज बांट रही हूँ। एनीवे, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने मेहमान साहब को जो है बुलाए। साहब तो बता दिया, बहुत प्यारे से ब्रिटिश बोर्न बॉय हैं, आज हमारे सेट पे आप लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं जब से शो कर रही हूँ मुझे इतनी कॉल्स आ चुकी हैं, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोल रही, आप लोग शो देख रहे हैं, आपको पता है कि एहसन को बुलाइए, एहसन को बुलाइए। तो आज एहसन खान हमारे और आपके मेहमान हैं, और बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट करियर जो है उनके साथ स्टार्ट हुआ था। मेरे बहुत प्यारे दोस्त और फवाद के बहुत लाडले एहसन खान, प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या अच्छा हाल है? आते वायरल वाले के पास ना सबसे पहले। क्या बात, बड़ा मजे का म्यूजिक चल रहा है। अ थीम इज वैलेंटाइन। आहा, क्या बात, आई डिडंट नो दैट। ठीक है, आज हम प्यार प्लस वीक मना रहे हैं। आज आपको हमारे सेट पे सब कुछ ऐसे ही दिखेगा। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मजा आ रहा है। आज सब कुछ बीच में होगा। यस, सुबह सुबह उठा दिया मैंने आपको। हाँ, लग रहा है मेरी शक्ल से ना? आपकी शक्ल से नहीं लग रहा, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको पता है? मैं सबको बताना चाह रही हूँ, मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मेरे सेट पे जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार जिसे आप कह सकते हैं ना, वो आए हैं, और ही इज ऑल्सो लाइक माई फैमिली, क्योंकि मेरी और फवाद की सारी बातें जो है वो इन तक होती है, इनकी सारी बातें जो है वो मुझे पता होती है। भाई आपको खड़ा इसलिए किया है क्योंकि अभी सवाल देने जा रही हूँ मैं ऑडियंस को, तो दोस्तों को सवाल जो देने जा रही हूँ वो बड़े मजे का है, कि प्लीज बताइए कि एहसन खान की जोड़ी, एहसन खान की जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ हिट है? बस छोटा सा सवाल है, और इसका अगर जवाब देंगे तो एहसन खान अभी आपको स्टॉल में से जो है वो बड़े मजे का कोई भी जो आपको पसंद हो वो आपको पीस देंगे। तो कॉल करें, आज एहसन खान हमारे शो पे हैं, प्लीज हैव अ सिट। थैंक यू सो मच। यस, बैठिए। हाँ जी, अब बस, वरना मैं फिर खड़ी हो जाऊं। बस, अरे बस, अरे बस, अरे बस कर जाए भाई, बताएं इनको, समझाएं, वरना मैं तो आज, हाँ शुक्र शुक्र शुक्र, आज वरना मैंने बेहोश हो जाना था। बहुत अच्छा बजाते हैं भाई साहब आप, और जब तक बजाते हैं तब तक एक सुरूर जो है वो तारी रहता है। गेस व्हाट, कल रात को मैं और फवाद गए फूड स्ट्रीट। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे वही लड़कियाँ मिली मुझे जो मैं, आप और फवाद जब फूड स्ट्रीट गए थे, पुराने वाले फूड स्ट्रीट, और वो आके कहने लग गई आज ऐसा नहीं आए। मैंने कहा नहीं आज ऐसा नहीं, कहती अच्छा ठीक है, आपने सुबह की फिजा में खास अनाउंस करना, मैं कोशिश करूंगी कि कॉल भी करूं। और वो बहुत खुश हो रही थी कि आप मेरे शो पे आ जाओ। लवली लवली, क्या बात है,
ऐसा कैसा लग रहा है आके सुबह सुबह? गुड गुड, वेरी नाइस. फिर आपको पता है कि लाहौर अभी रिसेंटली पिछले 4-5 महीने से आई एम वर्किंग इन कराची मोर, तो वहीं पे हूँ. ये लाहौर आया हुआ था मैं फॉर दिस शूटिंग. आई वाज हियर फॉर 4 डेज. सुहेल खान साहब का एक सीरियल है, यासिर मलिक. क्या बात. उनकी शूटिंग चल रही थी. जिनको मैं सुहेल चाचू कहती हूँ. आप उनमें बिल्कुल. तो वो मुझे फिर यू कॉल्ड अप फॉर द शो एंड देन द प्रोड्यूसर आल्सो कॉल्ड अप एंड आई सेड यस ऑफ कोर्स. फिजा हैज स्टार्टेड अ वेरी गुड शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हो. And I had to be part of it. तुम्हें मिस कर रही हूँ. तुम बल्कि मेरा तो दिल करता है तुम आओ मेरे साथ शो होस्ट करो, तो उसकी फिर जुगलबंदी का अलग ही मजा है. हाँ, कभी तुमने करना है वैसे ही. हाँ हाँ, definitely. कितना मजा आएगा. तुम्हें याद है सुहेल खान का जो हम लोग सीरियल कर रहे थे? हाँ. Remember? आवाज कितना हिट हुआ था. हाँ, it was very nice. ये हिंट मैं इसलिए भी देना चाह रही हूँ लोगों को कि मैंने बार बार पूछा कि एहसन खान की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट किसके साथ हुई थी. मैं बात भी हिंट दे रही हूँ, बार बार बात भी कर रही हूँ कि हमारा आवाज कितना हिट हुआ था. उसके बाद तपिश भी हमारा कितना हिट. Yes, yes. तो अब आप समझ जाएं और कॉल्स भी हमें साथ साथ करेंगे और हम कॉल्स लेंगे. अच्छा, विश बताएं जी, विश क्या है आपकी? कोई आज के हिसाब से या क्या? आज के हिसाब से बताएं क्या विश है. अब इतना काम कर लिया, इतना अच्छा. इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, अगर वैसे आप देखें तो मेरी जो विश ये है कि फिजा हमारी आर कंट्री शुड फ्लरिश अलॉट, बिकॉज बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स चलती हैं और बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर सारे लोग उठ के बाहर चले गए तो पाकिस्तान के लिए कौन कोई काम करेगा, अच्छा काम कौन करेगा पाकिस्तान के लिए? वो देखिए, वो भी बाहर जाने का सोच रहे. तो आई ऑलवेज थिंक कि हम लोगों को बस अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और अगर हालात ऊपर नीचे हैं तो वी शुड ऑल बेयर विद इट. क्योंकि अगर अच्छे हालात भी रहते हैं तब भी हम लोग बड़े खुश रहते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम आती है तब परेशान होते हैं. सो इट शुड बी लाइक, यू नो, वी शुड वर्क फॉर आर कंट्री. मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए. हालात से डरते हैं वैसे, जैसे कराची जाते हैं तो थोड़े से हालात काफ़ी ख़राब होते हैं. मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करती थी जब मैं पैदा हुई थी और काम करती थी कराची में, मगर अब नाउ डेज आई एम लाइक, you know, very scared living. It is like that, but I guess ke, you know, we have to live with it. और फिर उसको फेस करके आगे चलना है. और फैमिली डरती है, फैमिली घबराती है. थोड़ा बहुत तो आपको फिजा जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है. बट आई जस्ट होप के इंशाल्लाह जल्दी हालात बेहतर हो जाए. तो वैसे आपको कैसा ट्रीट किया कराची ने? वैसा तो नहीं बोला कि ये लाहौर से आया है. नहीं 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 नहीं. I love working in Karachi. It's lovely. It's like the whole country is mine. पूरे पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ पूरा पाकिस्तान मेरा है. जहाँ भी दिल चाहेगा काम करूँगा. आई वर्क फॉर पेशावर एज वेल, यू रिमेम्बर? वी वर्क फॉर पेशावर. जी जी, याद है. इसलिए बार बार जो है मैं भी और आप भी जो है नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं. एंड आई वर्क फॉर क्वेटा एज वेल, आई वर्क फॉर लाहौर एंड यू नो फॉर कराची, सबके लिए काम कर रहे हैं. अभी एक कॉल साथ लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे क्योंकि हम मना रहे प्यार प्लस वीक. अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक मरियम, कराची से कॉल आई है. भाई कराची से जो आपके ये शहजादे एक्टर है, ये इनको तो हमने लाहौर बुला लिया है. हाँ जी, तो क्या हुआ, वापस हम फिर वापस बुला लेंगे. सही बात है, मैं वापस आ रहा हूँ. परसों आ रहे, टाइम बताएं अपनी फ्लाइट का. इस दफा आपको एयरपोर्ट पर जो ना आई, टाइम बताए इस दफा आपको एयरपोर्ट पर. सुबह की एक ही फ्लाइट है, उसी पे आ रहे, पता करा ले परसों. जी मरियम मेरी जान, आप बताएंगे इनके सवाल का जवाब जो मैंने पूछा है कि इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ हिट हुई है ड्रामों में? ज्यादा तो आपके साथ हिट हुई है. आए जियो मेरा बच्चा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा. ये नहीं, आज भी हिट हो जाएगी आपके साथ. आज भी हिट हो जाएगी. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पता है मरियम, ये जो टेडी बेयर है ये आपको पहुंचेगा, ठीक है? और इसके साथ एक छोटा सा कार्ड होगा जिसमें ऑटोग्राफ होगा एहसन खान का, ठीक है ना? वो आपको मिल जाएगा. ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू. और एहसन जी, जी मैडम, आप आजकल फिल्म वगैरह क्यों नहीं बना रहे, मतलब फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, थक गए क्या? जी मैं नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म ऑफर नहीं हुई जो बन रही हो. शहजाद रफीक साहब की एक फिल्म है, वो कर रहा हूँ. दैट्स अ वेरी नाइस मूवी इंशाल्लाह. और फैसल बुखारी साहब की दो कर रहा हूँ, और एक आधी और अंडर डिस्कशन है. कुछ अच्छा होगा तो फिल्म में जरूर करेंगे. सही, लेकिन वैसे फिल्म की इतनी जरूरत भी नहीं होती है. आजकल ड्रामे इतने अच्छे आ रहे हैं कि बस दिल नहीं करता कि हाँ हटाए ना चैनल. आप लोगों के ज्यादातर ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं अब ना. सही बात है, ये तो माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन पे इस वक्त बहुत एक मैं समझता हूँ बूम है, और एक बहुत ही खूबसूरत बात है. वी आर जस्ट ग्रोइंग डे बाय डे माशाल्लाह. और मैं तो चाहता हूँ
मेरी दुआ है कि हमारा जो ड्रामा है वो ऐसा इंटरनेशनली पॉपुलर हो जाए कि बॉलीवुड क्या हॉलीवुड वाले भी हमारे ड्रामों को देखें इंशाल्लाह। एंड हो सकता है, आप हमेशा तरक्की करें, हमेशा आपके साथ हमारे। थैंक यू मरियम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मरियम फॉर योर कॉल, बहुत स्वीट कॉल थी। और ये टेडी बेयर टूटू शुजाजा आपका हुआ और इसका ऑटोग्राफ भी जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुलाऊं, ये जो मेरा पोर्शन था ये पूरा एहसन के लिए था, तो मैं एहसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आइए और हम ब्रेक लेंगे। और प्लीज़ ज़रा वायलिन जो है वो साथ होना चाहिए क्योंकि हम बहुत खूबसूरत सी ब्रेक लेने लगे। अब आप भी घूमेंगे ना। अब ब्रेक में भेज भी दे। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा